ओम शांति। 2 अप्रैल 2023। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स 18 फरवरी 1994। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है सोमान के स्मृति का स्विच ऑन करने से देह भान के अंधकार की समाप्ति। सोमान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देह भान के अंधकार की समाप्ति। आज अकाल मूरत बाप सभी अकाल तख्तधारी विश्व कल्याण के ताजधारी मस्तक में चमकते हुए बिंदी के तिलकधारी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक तख्तधारी भी है, ताजधारी भी है, तिलक भी सभी का चमक रहा है। सभी के मस्तक बीज आत्मा बिंदी सितारे के समान दिखाई दे रही है। आप सभी भी अपने तख्त ताज और तिलक को देख रहे हो। सारी सभा बाप दादा को ताज और तिलकधारी तख्त नशीन दिखाई दे रही है। ये अलौकिक सभा कलयुगी राज्य सभा और सतयुगी राज्य सभा से कितनी न्यारी और प्यारी है। तो ऐसी सभा की अधिकारी आत्माएं कितनी प्यारी हैं। आप सभी को भी अपना ये तक ताज और तिलकधारी स्वरूप प्यारा लगता है ना। जब अकाल तख्त नशीन अकाल मूरत श्रेष्ठ आत्मा स्थिति में स्थित हो, तख्त पर बैठते हो, तो यह स्थिति कितनी श्रेष्ठ है। सभी के श्रेष्ठ स्थिति की झलक इस सूरत को फरिश्ता बना देती है। बाबा कहते हैं सभी के श्रेष्ठ स्थिति की झलक इस सूरत को फरिश्ता बना देती है। साधारण सूरत नहीं, फरिश्ता सूरत। तो फरिश्ता सूरत भी कितनी प्यारी है। फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं। बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद की स्थिति वाला है फरिश्ता। सर्व आत्माओं के प्रति परमात्म संदेश वाहक है फरिश्ता। सभी आत्माओं के प्रति परमात्म संदेश वाहक है फरिश्ता, अर्थात सदा उड़ती कला वाला फरिश्ता, अर्थात सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला फरिश्ता, अर्थात डबल लाइट। देह और देह के संबंध से न्यारा और हल्का फरिश्ता, अर्थात सर्व को स्वयं के चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला। आज बाबा ने फरिश्ता की विशेषता बताई है। फरिश्ता अर्थात सहज और स्वतः अनादि और आदि संस्कार सदा इमर्ज स्वरूप में दिखाने वाला। फरिश्ता अर्थात निमित भाव, निर्माण स्वभाव और सर्व प्रति कल्याण की श्रेष्ठ भावना वाला। ऐसे फरिश्ते हो ना, बाबा पूछते हैं। फलक से कहो हम नहीं होंगे तो कौन होगा। फलक है ना, तो बाप दादा ऐसे फरिश्तों की दरबार देख रहे हैं। सिर्फ इसी सोमान में स्थित रहने से देहभान स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। सिर्फ इसी सोमान में स्थित रहने से देहभान स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। बाप देखते हैं कि बच्चे
देह भान को छोड़ने की बहुत मेहनत करते हैं। एक देह भान के रूप को छोड़ते हैं तो दूसरा आ जाता है, फिर दूसरे को छोड़ते हैं तो तीसरा आ जाता है। लेकिन छोड़ना सदा मुश्किल होता है और धारण करना सहज होता है। तो बाप दादा कहते हैं कि स्वमान में सदा रहो। जहां स्वमान है वहां देह भान आ ही नहीं सकता। तो छोड़ने की मेहनत नहीं करो, लेकिन स्वमान में स्थित रहने का अटेंशन रखो और संगम युग पर स्वयं बाप द्वारा कितने अच्छे अच्छे स्वमान प्राप्त है। प्राप्त करना नहीं है, प्राप्त है। अपने स्वमान की लिस्ट निकालो, कितनी बड़ी लिस्ट है। सारे कल्प में कितने भी स्वमान अर्थात टाइटल्स किसी भी नामी ग्रामी आत्मा के हो, चाहे राजनेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे महान आत्मा हो, उनके अगर टाइटल गिनती भी करो तो आपके स्वमान की लिस्ट से ज्यादा हो सकते हैं। और रोज सवेरे सवेरे बाप दादा स्वमान की स्मृति दिलाते हैं, स्वमान में स्थित कराते हैं। रोज भी एक नए ते नया स्वमान स्मृति में रखो तो स्वमान के आगे देह भान ऐसे भाग जाता जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता है। ना समय लगता ना मेहनत लगती। तो बार बार भिन्न भिन्न देह भान को मिटाने की मेहनत क्यों करते हो? स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करना नहीं आता है क्या? कितना भी गहरा काला बादल सूर्य की रोशनी को छिपाने वाला हो, लेकिन आपके पास ऑटोमेटिक डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। डायरेक्ट लाइन है ना? लाइन क्लियर है या लीकेज है? किसका लिंक होता है लेकिन लीकेज हो जाती है? तो डायरेक्ट लाइन कितनी पावरफुल होती है? डायरेक्ट कनेक्शन है या इनडायरेक्ट है? बाबा पूछते हैं, सभी की डायरेक्ट लाइन है ना? सभी को डायरेक्ट लाइन मिल गई है? फिर तो एक बादल क्या सारे बादल आ जाएं, अंधकार कर सकते हैं क्या? स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन किया और इतनी लाइट आ जाएगी जो स्वयं तो लाइट में होंगे ही, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। ऐसे होता है ना? अनुभवी हो ना, लेकिन कभी कभी अनुभव को किनारा रख देते हैं। सहारा मिला है लेकिन कभी कभी सहारे के बजाय किनारे हो जाते हैं। मेहनत लगती है क्या? सदा नहीं लगती, कभी कभी लगती है। स्विच ऑन करना भूल जाते हो क्या? मामा पूछते हैं, आप बच्चे स्विच ऑन करना भूल जाते हो? वास्तव में अगर एक मास्टर सर्वशक्तिमान का स्वमान भी याद हो तो मेहनत की कोई बात ही नहीं है। अब कहते हैं, वास्तव में अगर हम एक मास्टर सर्वशक्तिमान का स्वमान भी याद रखते हैं तो मेहनत नहीं लगती है। मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन हाईवे के बजाय गलियों में चले जाते हो व मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हो, तो लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। बाप दादा सदा अपने स्नेह और संयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। गोदी में बैठकर मंजिल पर पहुंचने में मुश्किल क्यों होता है?
स्नेह और संयोग के गोदी से निकल कभी और आकर्षण खींचती है तो चक्कर लगाने निकल जाते हो, थक भी जाते हो, फिर मेहनत भी महसूस करते हो, तो इस वर्ष क्या करेंगे? मेहनत समाप्त, मोहब्बत में लव में लीन हो जाओ, लवलीन हो, हर कार्य करो। जो लीन होता है उसको और कुछ दिखाई नहीं देता, आकर्षित नहीं करता। तो लव में रहते हो, ऐसा कोई होगा जो कहे मुझे बाप से प्यार नहीं है, लव नहीं है। सभी का लव है ना, लेकिन कभी लव में रहते हो, कभी लव में लीन रहते हो। नहीं तो देखो, मन बुद्धि द्वारा स्थिति में बाप का सर्व संबंधों से साथ है, साथ भी है और सेवा में बाप हर समय साथी है। तो स्थिति में साथ है और सेवा में साथी है। जहां सदा साथ भी है और साथी भी है तो वहां क्या मुश्किल है? परम आत्मा की महिमा ही है मुश्किल को सहज करने वाले। ऐसा बाप आपके साथ है और साथी है तो मुश्किल हो सकता है? फिर क्यों मुश्किल करते हो? समय प्रमाण बाप स्वयं हर बच्चे को सर्व संबंधों की ऑफर करते हैं। जैसा समय वैसे संबंध से साथ रहो व साथी बनाओ। कोई समय तो संबंध से साथी बनाते हो और कोई समय साथी को किनारे कर देते हो। कोई समय तो संबंध से साथी बनाते हो और कोई समय साथी को किनारा कर देते हो। फिर कहते हैं कि अकेलापन फील होता है, चलते चलते अकेलापन लगता है। और अकेलापन होने से क्या होता है? अपनी श्रेष्ठ जीवन, साधारण जीवन अनुभव होती है। फिर कहते हैं बोरिंग लाइफ हो गई, कुछ चेंज चाहिए। एक तरफ बाप दादा को खुश करते हैं कि हम तो कंबाइंड हैं, कंबाइंड कभी अकेला होता है क्या? बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बाबा हम तो हैं ही कंबाइंड। फिर 15-20 वर्ष बीतता तो कहते हैं चेंज चाहिए, अकेले हो गए हैं। वैसे भी देखो दुनिया में अगर चेंज चाहते हैं तो कोई सागर के किनारे पर जाकर सो जाते हैं, कोई मनोरंजन में चले जाते हैं, डांस करते हैं, कोई गीतों की मौज में मौज मनाते हैं, कोई कंपनी या कंपेनियन का साथ लेते हैं। यही करते हो ना, खेल करते हो। खेलों की दुनिया में बगीचे में चले जाते हो। यहाँ ज्ञान सागर का किनारा है, यह भूल जाते हो। अगर सागर पसंद है तो सागर के किनारे बैठ जाओ। बाप ज्ञान सागर है ना, बाप कंपेनियन नहीं है क्या? उससे मजा नहीं आता है कि समझते हो बिंदु से क्या मजा आएगा? आप सभी को सदा बहलाने के लिए तो ब्रह्मा बाप भी अव्यक्त हुए हैं, लेकिन यहां तो सदा का साथी चाहिए ना। जब भी अपने को अकेलापन अनुभव करो तो उस समय बिंदु रूप नहीं याद करो, वह मुश्किल होगा, उससे बोर हो जाएंगे। लेकिन अपने ब्राह्मण जीवन की, भिन्न भिन्न समय की, रमणीक अनुभव की कहानियां स्मृति में लाओ। अनुभव की कहानियों का किताब सभी के पास है। जब बोर हो जाते हैं तो नॉवेल्स पढ़ते हैं ना, तो आप अपने कहानियों का किताब खोलो और उसे पढ़ने में बिजी हो जाओ।
अपने सामान की लिस्ट को सामने लाओ, अपने प्राप्तियों की लिस्ट को सामने लाओ। ब्राह्मण संसार के विचित्र प्रैक्टिकल कहानियों को स्मृति में लाओ। जैसे अपने को चेंज करने के लिए समाचार पत्र पढ़ने का भी आधार लेते हैं, तो ब्राह्मण संसार के कितने अलौकिक समाचार आदि से अब तक देखे हैं व सुने हैं। समाचार पत्र भी आपके पास है। कईयों को पेपर पढ़ने के बिना चैन नहीं आता है। पेपर भी आपके पास है, पेपर पढ़ो। डांस और साज तो जानते ही हो, बिना थकावट के डांस करते हो। मन मनाभव होना ही सबसे बड़ा मनोरंजन है, क्योंकि सर्व संबंधों का रस व अनुभूतियां करना ही मन मनाभव है। सिर्फ बाप के रूप में या विशेष तीन रूपों के संबंध से अनुभव नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों के स्नेह का अनुभव कर सकते हो। संबंधों से याद तो करते हो, लेकिन फर्क क्या हो जाता है? एक है दिमाग से नॉलेज के आधार पर संबंध को याद करना, और दूसरा है दिल से उस संबंध के स्नेह में, लव में लीन हो जाना। आधा तो करते हो, बाकी आधा रह जाता है। इसलिए थोड़ा समय तो ठीक रहते हो, थोड़े समय के बाद सिर्फ दिमाग से ही संबंध को याद किया तो दिमाग में दूसरी बात आने से दिल बदल जाता है। फिर मेहनत करनी पड़ती है। फिर क्या कहते हो, हमने याद तो किया, बाबा मेरा कंपेनियन है, लेकिन कंपेनियन ने तो निभाई नहीं, अनुभव तो कुछ हुआ ही नहीं। ये दिमाग से याद किया, दिल में स्नेह को समाया नहीं। जब भी कोई बात दिमाग में आती है तो वह निकलती भी जल्दी है, लेकिन दिल में समा जाती है तो उसको चाहे सारी दुनिया भी दिल से निकालना चाहे तो भी नहीं निकाल सकती। तो सर्व संबंधों को समय प्रमाण, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है, आवश्यकता है फ्रेंड की और याद करो बाप को, तो मजा नहीं आएगा। इसलिए जिस समय जिस संबंध की अनुभूति चाहिए, उस संबंध को स्नेह से, दिल से अनुभव करो। फिर मेहनत भी नहीं लगेगी और बोर भी नहीं होंगे, सदा मनोरंजन। तो इस वर्ष क्या करेंगे? अब आप पूछते हैं, इस वर्ष हम क्या करेंगे? मेहनत से निकलना है। बाबा ने होमवर्क दिया है, मेहनत से निकलना है। हर मास सिर्फ ओके लिखना है, हर मास सिर्फ ओके लिखना और कुछ नहीं लिखना। ओके से समझ जाएंगे कि मेहनत से निकल गए। लंबे लंबे पत्र नहीं लिखना, नहीं तो कहते हैं कि पत्र तो लिखा, जवाब नहीं मिलता। ऐसे नहीं है कि आपके पत्र पहुंचते नहीं हैं। पत्र लिखना शुरू करते हो और वहां कंप्यूटर में पहले आ जाता है, पोस्ट में पीछे पहुंचता है। वैसे बाप दादा इतने लंबे पत्रों का रोज ही मुरली में सबको जवाब देता है, रोज पत्र लिखते हैं। इतना लंबा पत्र कोई लिखता है तो इतने अपने सामान को देखो, परमात्मा का कितना प्यार है आप सबसे। परमात्मा का प्यार है तब पत्र लिखते हैं, अर्थात मुरली में उत्तर भी देते हैं और याद प्यार भी देते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन उठता है या कोई भी समस्या सामने आती है तो मुरली से
रिस्पॉन्स मिलता है, तो फिर कभी शिकायत नहीं करना कि उत्तर नहीं आया। बाकी अच्छा करते हो, जो दिल में बात आती है वो बाप के आगे रखना, अर्थात दिल से निकाल दिया। बाकी अच्छा करते हो, जो दिल में बात आती है वो बाप के आगे रखना, अर्थात दिल से निकाल दिया। वो भले करो लेकिन शॉर्ट लिखो। पत्र जब लिखते हो तो उसी समय दिल तो हल्की हो जाती है ना, क्योंकि दे दिया ना। फिर दूसरे दिन की मुरली उस विधि से देखो कि जो मैंने पत्र लिखा उसका उत्तर क्या है, रिस्पॉन्स मिलता तो है ना। बेहद का बाप है तो पत्र भी बेहद का लिखेगा, छोटा थोड़े ही लिखेगा। देश विदेश के सर्व सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले अथक बन औरों को दान वरदान देने वाली आत्माओं को चारों ओर के बाप के सर्व संबंध के लव में लीन रहने वाली लवलीन आत्माओं को सदा सहज अनुभव करने औरों को भी सहज अनुभव कराने वाली सहज योगी आत्माओं को सदा स्वयं को सोमान द्वारा सहज देहभान से मुक्त करने वाली जीवन मुक्त आत्माओं को सदा बाप को साथ अनुभव करने वाले और साथ ही अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज बाबा ने वरदान दिया, अपने आदि और अंत दोनों स्वरूप को सामने रख खुशी व नशे में रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। अपने आदि और अंत दोनों स्वरूप को सामने रख खुशी व नशे में रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। डिटेल है, जैसे आदि देव ब्रह्मा और आदि आत्मा श्री कृष्ण दोनों का अंतर दिखाते भी साथ दिखाते हो, ऐसे आप सब अपना ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप दोनों को सामने रखते हुए देखो कि आदि से अंत तक हम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं रही हैं। आधा कल्प राज्य भाग्य प्राप्त किया और आधा कल्प माननीय पूजनीय श्रेष्ठ आत्मा बने, तो इसी नशे और खुशी में रहने से स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, जिनके पास ज्ञान का अथा धन है उन्हें संपन्नता की अनुभूति होती है। जिनके पास ज्ञान का अथा धन है उन्हें संपन्नता की अनुभूति होती है। अच्छा, ओम शांति।